अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूँ शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं आज का अनकट। और आज के अनकट में हम बात करेंगे नोहेरा शेख। जी हाँ नाज़रीन, नोहेरा शेख ने अदालत में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने का वायदा किया था और अदालत ने 29 अक्टूबर से कबल 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट कस्टमर्स के करने के बाद बेल दे दी थी। लेकिन 29 अक्टूबर गुजर चुका है और आज तक नोहेरा शेख के वकीलों ने या स्टाफ के लोगों ने अदालत में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट नहीं किए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर तक अकाउंट खुला था नोहेरा शेख का, जानबूझकर विक्टिम्स को पैसे नहीं दे रही थी और अब अदालत में 5 करोड़ डिपॉजिट करने का अश्योरेंस दिया है लेकिन आज तक नहीं हुआ है। विक्टिम्स एसोसिएशन के एडवोकेट बादशाह का इस बारे में क्या कहना है, एक मर्तबा सुनते हैं। जी साहब, इसमें डिपॉजिट 5 करोड़ करने का 29 तारीख तक जज साहब ने ऑर्डर दिया था, तो अब तक तो अमाउंट का डिपॉजिट नहीं किया है और उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया है कि टाइम के लिए, और उसकी पिटीशन के साथ उन लोगों ने डिमांड किया है कि जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं अकाउंट्स को डीफ्रीज करने के सिचुएशन में अमाउंट्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। और उन लोगों ने और एप्लीकेशन किया है कि एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह के लिए, सैलरी वगैरह के लिए भी अमाउंट्स डिफ्रीज करने हैं, सो दैट ये पूरे अकाउंट्स फ्रीज हुए हुए हैं उनके। हीरा बॉम्बे में प्रेजेंट सिचुएशन जो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में इंट्रागेशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो 3 नवंबर तक पुलिस कस्टडी दी गई है बॉम्बे कोर्ट से। तो पुलिस कस्टडी के बाद उसके बारे में फर्दर कार्रवाई होगी। तो बहरहाल वकील बादशाह के कहने के मुताबिक ऐसा महसूस हो रहा है कि अक्टूबर तक अकाउंट्स खुले थे और डिपॉजिटर्स विक्टिम्स के पैसे जानबूझकर नोहेरा शेख ने नहीं दिए। अब ये बहाना बना रही हैं कि अकाउंट्स सीज कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए, इसीलिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा अकाउंट्स को ओपन करने के लिए एक पिटीशन दाखिल किया गया है। दूसरी तरफ नोहेरा शेख मुंबई की पुलिस कस्टडी में है, इंक्वायरी चल रही है। ये तो हुआ नोहेरा शेख से मुतालिक एक स्टोरी। अब हम चलते हैं वायरल फ़ोटो की तरफ। जी हाँ नाज़रीन, हमारे रियासत तेलंगाना के केयर टेकर डिप्टी सीएम कहलाने वाले महमूद अली साहब को एक वीडियो, उनका एक फ़ोटो, वीडियो नहीं एक फ़ोटो आजकल मार्केट में वायरल चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। ये फ़ोटो वायरल चल रही है, आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए कि शाहिद कुरैशी ने अनकट में ये बताया है। ये फ़ोटो वायरल चल रही है जिसमें महमूद अली और उनके पोतरे घर में बैठे हुए हैं और बैकग्राउंड में एक गिफ्ट के शक्ल में दीवार पे पोर्ट्रेट लटक रहा है। और ये कहा जा रहा है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पोर्ट्रेट गोल्ड और डायमंड से भरा हुआ है और शायद हो सकता है गोल्ड मार्ट इनाग्रेशन से कबल नोहेरा शेख ने डिप्टी सीएम केयर टेकर महमूद अली को ये गिफ्ट किया होगा। ऐसे रूमर्स चल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, आइए एक मर्तबा देखते हैं। देखा नाजरीन, बहरहाल जो वायरल चल रहा है वो हम व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम में बताते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम पर इल्ज़ाम लगा दे या हमने जानबूझकर बताया। ये तस्वीर तो हमने नहीं ली, मार्केट में चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि नोहेरा शेख ने इतना कॉस्टली गिफ्ट महमूद अली को किस वजह से दिया होगा, जबकि महमूद अली एक पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट को कोई कॉस्टली गिफ्ट देता है तो उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट में होना चाहिए, रेवेन्यू में होना चाहिए, लेकिन इसका रिकॉर्ड है या नहीं ये जवाब देना है केयर टेकर डिप्टी सीएम महमूद अली को, आवाम को जवाब देना है। तो ये था हमारा आज का अनकट शो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए, अच्छे सजेशन दीजिए, गाली मत दीजिए। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।